हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल लड्डू गोपाल लाइफ में तो आज हम कान्हा जी के लिए ये वाली ड्रेस बनाएंगे तो जिसे हमने क्रोशिया से बनाया हुआ है और ये इसकी चोली अलग है और घेरा अलग है ये देखिए मैं पहना करके आपको दिखा रही हूँ कितना अच्छा इसका लुक है इसको बनाना इतना ईजी है कि कोई भी इसको बना सकता है बहुत ही आसानी से तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ये ऊन लिया हुआ है तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये पंदा बनाएंगे ये देखिए यहाँ पर एक पंदा बना लिया मैंने अब यहाँ दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह तो इसी तरह मैं इसे थोड़ा सा लंबा करती हूँ फिर बताती हूँ कितनी चैन बनाई है मैंने यहाँ पर तो ये देखिए मैंने इसे लंबा कर लिया है तो यहाँ पर टोटल मैंने पच्चीस चैन बनाई हुई है तो अब इन पच्चीस चैन में मैं ये दो चैन एक्स्ट्रा बना लिया है तो सत्ताईस हो गई तो यहाँ पर दो चैन छोड़ करके मैं यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना रही हूँ ये देखिए ऐसे तो ये हमारे यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया जो दो चैन हमने छोड़ा था वो हो गया दो हमारा डबल क्रोशिया ये हमारा चौथा डबल क्रोशिया हो गया अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह हम पूरे में पच्चीस डबल क्रोशिया यहाँ पर मैं बना लूँगी मैंने 27 चैन बनाई थी जिसमें मैंने दो चैन एक डबल क्रोशिया के लिए ले लिया है और 25 चैन तो यहाँ पर पूरा मैं टोटल पच्चीस डबल क्रोशिया बना लिया मैंने अब देखिए क्या करना है ये हमारी दूसरी रो है तो दूसरी रो में हमें ये दो चैन बनाया और ये उनको हम यहाँ से पीछे से यहाँ पर दबा लेंगे तो ये हमारा उसी में छुप जाएगा और दूसरी वाली चैन में ये देखिए यहाँ पर एक डबल क्रोशिया फिर उसी चैन में हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर यहां पर एक डबल क्रोशिया फिर दूसरी वाले में दो डबल क्रोशिया एक चैन में एक डबल क्रोशिया दूसरी चैन में दो डबल क्रोशिया ये, ये देखिए यहां पर मैंने एक बना लिया अब ये दूसरी वाली चैन में एक डबल क्रोशिया बनाया उसके बाद उसमें एक और बना दिया तो एक चैन में दो डबल क्रोशिया हो गए वीडियो को आप ध्यान से देखिए तो आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा ये देखिए यहाँ पर दो बना दिया पहले एक बनाया फिर दो बनाया फिर एक बनाया फिर दो बनाया फिर एक बनाया फिर दो बनाया इसी तरह मैं ये पूरी रो कंप्लीट कर ले रही हूँ फिर आगे बताती हूँ कि क्या करना है ये देखिए इसी तरह हमको ये पूरा तैयार करना है ये वाली रो हम पूरी तैयार कर ले रहे हैं ये देखिए मैंने यहाँ पर ये दूसरी रो कंप्लीट कर ली है अब हम ये तीसरी रो पे आ गए हैं तो यहाँ पर भी एक दो एक दो एक दो ऐसे ही करके ये पूरा कंप्लीट हो गया है अब देखिए यहाँ पर हम ये तीसरी रो पे आ गए हैं तो यहाँ पर हमने फिर से दो चैन बनाई और एक डबल क्रोशिया बना लिया अब तीसरी वाली में हमने ये एक दो डबल दो क्रोशिया बना लिया फिर हमने यहाँ पर फिर हमने एक बना लिया फिर यहाँ पर हम दो बना लेंगे फिर एक बनाया फिर दो बनाया जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं और वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए ही देखिएगा ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए अगर आप स्किप कर देंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा और ये मैं बना रही हूँ अपने सात नंबर के कान्हा जी के लिए जिसको कि आप आसानी से छः नंबर के और सात नंबर के कान्हा जी को आसानी से पहना देंगे तो ये देखिए हमारी यहाँ पर ये तीसरी रो भी कंप्लीट हो गई इसी तरह मैं ये इसे पूरा कंप्लीट कर लूँगी ये देखिए यहाँ पर मैंने बना लिया है तो कितनी अच्छी सी फ्रिल बन गई है यहाँ पर और एकदम ईजी तरीके से कुछ भी नहीं करना पड़ा है बस एक और दो एक और दो करके बस डबल क्रोशिया बुना है यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर ये हमने इतनी रो बुन ली है तो आप जिस हिसाब से लंबाई रखना चाहते हैं उस हिसाब से रो बना सकते हैं मैंने यहाँ पर सात रो बुनी है सात रो बुनने के बाद में ये देखिए यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना करके आउटलाइन बना दिया है तो इसका लुक और भी अच्छा आ गया है तो आप दो कलर से बनाना चाहें दो कलर से बनाइए सिंगल कलर से बनाना है सिंगल से बनाइए तो यहाँ पर ये देखिए मैंने सिंगल क्रोशिया से ये आउटलाइन बना देंगी पूरे में और ये देखिए मैंने यहाँ पर पूरे में बना दिया है अब कमर में यहाँ पर मैं फिर एक बार सिंगल डबल क्रोशिया से इसे यहाँ पर एक आउटलाइन यहाँ पर भी बना दूँगी तो ये देखिए यहाँ पर ये एक बार क्रोशिया में ऊन लेंगे और यहाँ अंदर डालेंगे और तीनों एक साथ उतार देंगे इस तरह इसी तरह मैं ये पूरी लाइन कंप्लीट कर ले रही हूँ ये देखिए हमारी ये नीचे का घेरा बन गया है और कितनी आसानी से बन गया है कि और ये नीचे जो है इसको ऊपर से नीचे से थोड़ा सा ऊपर तक इसे सिल देंगे बाद में थोड़ा सा खुला रहने देंगे ताकि पहनाने में आसानी रहेगी इजिली आप पहना लेंगे तो चलिए ये कंप्लीट हो गया अब चलिए मैं ये चोली बनाती हूँ तो ये देखिए चोली के लिए मैंने यहाँ पर पचास चोली के लिए यहाँ पर मैंने बावन चैन बनाई हुई है तो यहाँ पर मैं ये बावन डबल क्रोशिया बना लूँगी और यहाँ पर मैंने पाँच रो बुनी है पांच रो बुनने के बाद में पहले मैंने एक बार सिंगल मैंने एक बार डबल क्रोशिया बुना है फिर उसके बाद सिंगल डबल क्रोशिया बुना है फिर दूसरी रो में मैंने डबल क्रोशिया बुना है तीसरी रो में मैंने फिर से सिंगल डबल क्रोशिया बुना है तो इसी तरह इसको मैंने पांच रो कंप्लीट कर लिया है ये दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि डार्क कलर का ऊन है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ तो आप इसी तरह इसको थोड़ा सा लंबा कर लीजिए उसके बाद यहाँ पर मेरे पास बावन चैन मिल गई है तो बावन चैन में हम इसको तीन भाग में डिवाइड करेंगे तो मैं किनारे चौदह छोड़ दूँगी चौदह किनारे छोड़ दूँगी और बीच में चौदह चैन बुन लूँगी ये देखिए यहाँ पर ऐसे आप गिन लीजिए गिन करके इसे यहाँ पर चौदह चैन छोड़ करके यहाँ पर ऐसे गांठ लगा दीजिए फिर यहाँ पर दो चैन बना करके दूसरी वाली चैन में यहाँ पर सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे तो ये हमारा दो होगा दो डबल क्रोशिया हो गए तो इसी तरह हम यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया नहीं बुनना है सिंगल डबल क्रोशिया बनाना है तो यहाँ पर मैं इसे पूरा चौदह सिंगल डबल क्रोशिया तैयार करूँगी और ये वाले ऊन को हम उसी में ऐसे दबाते हुए बुन लेंगे तो वो हमारा उसी में रिमूव हो जाएगा दिखेगा नहीं तो यहाँ पर हमें चौदह सिंगल डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी थैंक यू तो ये देखिए यहाँ पर हमने चौदह सिंगल डबल क्रोशिया बना लिया है और चौदह इधर छोड़ दिया है अब यहीं से हम इसे टर्न कर लेंगे और और ऊपर हम यहाँ पर चार रो बनाएंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर दूसरी लाइन में हम सिंगल नहीं यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बुनेंगे ये वाली लाइन पे हम डबल क्रोशिया बुनेंगे फिर उसके बाद हम दूसरी रो में हम सिंगल डबल क्रोशिया बुनेंगे इसी तरह करके मैं यहाँ पर चार रो बना लूँगी एक डबल क्रोशिया दूसरी सिंगल डबल क्रोशिया एक डबल क्रोशिया दूसरी सिंगल डबल क्रोशिया इस तरह करके मैंने यहाँ पर चार रो कंप्लीट कर लिए हैं ये देखिए अब इसको ऐसे हमें अब इसको हमें ऐसे मोड़ना है उसके बाद हम इसी क्रोशिया से ही इसे हम यहाँ पर सिल देंगे तो आसानी रहती है क्रोशिया से सिल दो या तो फिर यहाँ पर आप ऊन निकाल करके धागे से भी सुई धागे से भी सिल सकते हो ये देखिए ऐसे दोनों तरफ का फंदा ले लिया हमने ऊन में क्रोशिया डाल के ऐसे निकाल दिया तो ये हमारा अच्छे से यहाँ पर सिल जाएगा हम और इसे यहाँ पर हम नाट लगा देंगे ये देखिए ये उसी में अटैच होकर के ये अच्छी सी कैप बन गई एकदम इजी तरीके से सीधी पट्टी से मैंने बनाया हुआ है और अब क्या करना है कि ये देखिए यहाँ पर इसे हम पूरे में यहाँ आउटलाइन बना देंगे तो मैं अपने पिंक वाले ऊन से यहाँ पर सिंगल डबल क्रोशिया से पूरी आउटलाइन बना दे रही हूँ और फिर बाद में यहाँ पर एक डोरी बना करके यहाँ लगा देंगे ये हम यहाँ पर अपने ऊन को यहाँ पर ये यह अटैच करेंगे और दोनों ऊन के जो छोटे वाले टुकड़े हैं इनको हम नीच पीछे से ऐसे दबाते हुए इसी में सिंगल डबल क्रोशिया पूरे में बना देंगे जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं आप प्रिंट वीडियो को स्किप मत करिएगा लास्ट शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और या तो फिर आप टू एक्ट पे करके देख सकते हैं अगर आप स्किप कर देंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगी ये देखिए हमने यहाँ पर ये पूरा आउटलाइन बना लिया है और ये हमारी एकदम इजी और सिंपल तरीके से कान्हा जी की चोली तैयार हो गई है अब यहाँ पर मैं डोरी लगा दूँगी तो चलिए डोरी बनाना बताती हूँ कैसे बनाते हैं तो ये देखिए यहाँ पर हमने क्रोशिया लिया और ये सिर्फ सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर हमें चैन बनानी है एक लंबी सी चैन बना लेंगे और हमारी डोरी बन जाएगी बहुत ईजी हैगा बनाना ये देखिए मैंने यहाँ पर पचास चैन बना लिया है और ये लंबी सी डोरी बन गई है तो अब हमें इसे कैसे डालना है ये देखिए आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा यहाँ से हम क्रोशिया को लेंगे और यहाँ ऐसे ऊपर तक निकाल लेंगे और फिर इस डोरी को उसमें फंसा लेंगे देखिए कितनी आसानी से डोरी लग गई ये ऐसे ये डोरी लग गई है और ये हमारी चोली तैयार हो गई तो शुरू में ही मैंने आपको काना जी को पहना करके दिखाया था ये देखिए ये चोली है और ये नीचे का घेरा है ये देखिए पहना करके भी दिखा दे रही हूँ फिर से ये नीचे से ऐसे डालेंगे इसे मैंने नीचे चोली को थोड़ा सा सिल लिया है ऊपर थोड़ा सा खुला हुआ है ताकि पहनाने में आसानी रहेगी आप चाहे पीछे कर दें या आगे कर दें कोई दिक्कत नहीं है और ये पहनाने के बाद आप अच्छे से फ्रेल को सेट कर देंगे तो इसका लुक बहुत अच्छा आएगा ये देखिए कितने इजी तरीके से पहनाना भी आसान है और पूरी तरह से कवर हो गए कहीं से भी ठंड नहीं लगेगी इनको आगे से पीछे से स्लीव्स में हर जगह से कवर है ये देखिए चलिए मैं इसे पूरी तरह से सेट करके फ़ोटो लगा दे रही हूँ तो उसमें बहुत अच्छा लुक दिखेगा ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे कान्हा जी पहन करके तैयार हो गए हैं वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग